Hello and welcome to Learning Ingenuity. My name is Toshendra and today we will be studying class 10 mathematics. In this class today we will learn about triangles and we'll be taking some of the questions from the NCERT. Here we go. So yesterday we saw a few questions and next we'll be moving on further. Alright, so in question number 4, let's first of all understand what the question needs. In the figure, in the given figure, QR upon QS is equal to QT upon PR. Alright, let us all first of all have the figure on a bigger scale. See, so this is like this. And QR upon QS is equal to QT upon. Okay. Means. It's like this. This is parallel. And angle 1 is equal to angle 2. Let's just quickly name them. T, P, R, Q, and S. This is angle 1. This 2. ठीक है, अब given क्या क्या है? Given में है QR upon QS QR upon QS is equals to QT upon PR QT upon PR. Alright, and we have angle 1 is equal to angle. देखिए और पूछ रहा है टू प्रूव क्या करवाना चाह रहा है कि ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू ट्रायंगल TQR. तो अब इसके अंदर क्या करना है हमको, सबसे पहले तो ये देखो क्यू आर अपॉन, इसको डिनोट कर लेते हैं. ये रहा क्यू आर और ये रहा क्यू एस, ठीक. और क्यू टी टी क्यू आर, सॉरी, ये जो है इक्वल नहीं, सिमिलर प्रूफ करना है. इक्वल कैसे हो सकता है भाई जी. Alright, so TQR ये रहा TQR, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और PQS ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है. एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल दे रखा है, और QT upon PR ये इसके, ठीक है. इसके अंदर अपने दो बार सिमिलैरिटी इसकी प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है. तो अब ट्राइंगल देखिए, सॉल्यूशन देखेंगे एक बार. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस वाले ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है. तो अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. तो इससे क्या निकल करके आएगा,
तो ट्राइंगल पी क्यू आर में ट्वेल्व देख लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है। तो एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, ठीक है। देखिए एक ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं पी क्यू आर, इसके अंदर एंगल वन और एंगल टू इक्वल है। क्योंकि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है तो हमें पता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो इससे क्या निकल के आएगा, एंगल वन के सामने वाली साइड क्या है पी क्यू आर ट्राइंगल में, पी आर, ठीक है। और एंगल टू के सामने वाली साइड पी क्यू आर ट्राइंगल में कौन सी है, पी क्यू, ठीक है, पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल हो गया। अब उससे देखो, अब हमारे पास गिवन क्या है, अब उसमें इसको कंपेयर करें, ये पी आर है इधर, यस दिस इज पी आर, गिवन क्या है, तो अब उसकी जगह आप क्या पी क्यू रख सकते हैं पी आर की जगह इसमें गिवन में, ठीक है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस, ठीक है, इसको नंबर देते हैं वन, ठीक है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, अब पी आर की जगह क्या रख रहे हैं पी क्यू, ठीक। अब क्योंकि हमें पता है फ्रॉम वन, ठीक है, इक्वेशन वन में हमने ये देख लिया था कि दोनों इक्वल होंगी, और ये इक्वल क्यों है, तो दीज आर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख लीजिए ट्राइंगल PQS, अब देख लीजिए जो आपको प्रूफ करना है उसे देख लीजिए, ये प्रूफ करना है PQS और TQR क्या सिमिलर हैं, ट्राइंगल पी क्यू, पी क्यू आर इट्स टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक। और इसका नाम हम रख देते हैं सेकेंड, क्योंकि ये भी इस्तेमाल में आएगा, तो हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है, ऑलराइट, ये इक्वेशन टू से हमें पता है, ठीक है। और क्या है, देखिए दोनों ट्राइंगल में पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों में एंगल वन दोनों में आ रहा है, एंगल वन इक्वल टू एंगल वन, क्यों, कॉमन एंगल, भाई दोनों ट्राइंगल्स में एक ही एंगल है, तो एक ही एंगल है तो वैल्यू सेम ही तो है दोनों की, तो दिस इज अ कॉमन एंगल, बस उससे प्रूव हो गया। कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया, एस ए एस, देखिए ये तो दो साइड, एक तो यहां से लेकर के यहां तक, और एक यहां से लेकर के यहां, सिमिलरली एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से और इस तक, ठीक
ठीक है, तो ये क्या है, रेशो में है, साथ में एंगल वन जो है वो कॉमन है, ठीक है, और एंगल वन जो होल्ड कर रही है दो साइड्स, वो साइड्स जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के रेशो में है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो ये लग गई एस ए एस सिमिलैरिटी बाय एस ए एस। एस ए एस कौन सी थी, साइड एंगल साइड। और क्राइटेरिया क्या हो गया भाई, ये प्रूफ हो गया क्या, ये चीज प्रूफ हो जाएगी क्या, हैंस प्रूफ। राइट, शॉर्ट में समझे वापस से एक बार, देखिए तो सबसे पहले इस जो क्वेश्चन में हमको दे रखी थी कि एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है, ठीक है, और QR अपॉन QS, QR अपॉन QS किसके इक्वल है, QT अपॉन PR के, ठीक है, तो हमने ये देखा PR, अगर ये PR जो है इसके PR की जगह अगर ये PQ होता, ठीक है, तो हम सिमिलैरिटी का हम क्या करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके और इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते थे, तो इसलिए हमने क्या किया, सो अप्रोच कौन सी लगाई, तो हमारी अप्रोच थी कि हमें ये भी पता है कि एंगल्स और साइड्स अगर आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं या फिर आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं, तो वाइस वर्सा है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि हमको पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइज आर इक्वल एंड साइज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तो बस उस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया और उससे क्या किया, हमने पी क्यू और पी आर को इक्वेट कर दिया, पी क्यू और पी क्या पी आर जो है इक्वल आ गए हैं, तो हम पी आर की जगह, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में हमको पी आर ही दिया हुआ है, राइट, तो पी आर की जगह हम क्या रख सकते हैं PQ, और जैसे ही PQ हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिल गई कन्वर्स ऑफ BPT और हमने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है, तो जैसे एक क्वेश्चन में हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो इस्तेमाल, ठीक है, इसीलिए याद आपको रखनी है सारी आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज जो है वो सब आपको याद अच्छे से रखनी है, ठीक है, आई ट्राई एंड प्रिपेयर शीट जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम अदर चैप्टर्स एज वेल, तो क्या होगा उससे आपको इजी रहेगा याद रखने में, बट आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर दैट शीट बिकॉज उसके अंदर मैं सारे चैप्टर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला आइडेंटिटीज या कॉन्सेप्ट हैं वो आपको कोशिश करूँगा कि एक या दो शीट में अवेलेबल हो जाए, तो उसको अगर अच्छे से आप याद कर लेंगे उन आइडेंटिटीज़ को, उन फार्मूला को, उन प्रॉपर्टीज़ को, तो आपको फिर सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही सीधा आप अप्रोच पे पहुँचेंगे। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, अरे ये तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, देखिए एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ठीक है, एस और टी क्या है, ये पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर पे, ये देख रखा है जैसे फिगर में, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, तो अब क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है, और एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस है, एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, अच्छा,
शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर डी एस. ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है आर डी एस के. ठीक है, आई बिलीव इधर आर एस टी होना चाहिए था. ठीक है, आई बिलीव इधर आर एस टी होना चाहिए था. खैर, तो अब देखेंगे तो सिंपली आपको पता है क्या है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर एस टी ये गिवन है. ठीक है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है. ठीक है, तो अब आपको याद हो आ रहा होगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल्स के. ठीक है, और वो जो ट्राइंगल है दूसरा वाला जो वो है वो एक ट्राइंगल के अंदर ही है. ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बी पी टी जैसा भी कुछ हो रहा है कि एक लाइन जो है वो दूसरे ट्राइंगल को और दूसरे दो लाइन्स से उसके दो साइड से उसको इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो आपको लग रहा होगा, ध्यान में आना चाहिए कि बी पी टी जैसा कुछ यहाँ लग रहा है. ठीक, और क्या है, एंगल आर जो है वो एंगल आर के इक्वल है. एंगल आर जो है वो कॉमन है दोनों में. ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, तो इससे ये हो गया ट्राइंगल आर पी क्यू और ट्राइंगल आर टी एस. आर पी क्यू और ट्राइंगल आर टी. अच्छा, यहाँ पर टी आना चाहिए और यहाँ पर एस आना चाहिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिमिलैरिटी लगी इसके अंदर. इसके अंदर ए ए ए सिमिलैरिटी लगी, जहाँ पर आपने ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया. तो जैसे ही आप उसको प्रूफ करेंगे इसमें बी पी टी अप्लाई, आई एम सॉरी, इसमें सिमिलैरिटी अप्लाई हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी. ठीक है, अच्छा आपको कॉन्ग्रेंसी के नियम याद होंगे, पहले पढ़े थे. तो कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, देखो जब एक कोई फिगर या एक बॉडी उसको कोई दूसरा फिगर ओवरलैप कर ले 2D के अंदर. ठीक है, ओवरलैप कर ले, इस तरीके से ओवरलैप कर ले कि जब उसको इधर की तरफ से देखे तो वो पीछे वाला नहीं दिखे और जब ऐसे देखे तो भी पीछे वाला नहीं दिखे. ठीक है, तो वो एक इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ले. ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या, कॉन्ग्रेंट फिगर्स. जैसे कि ठीक है, ये पुराने पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, जैसे ये दोनों फिगर्स हैं, अब ये दोनों फिगर्स को क्या हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस तरीके से कर सकते हैं कि पीछे वाला नहीं दिखे, राइट. सो दिस इज नोन एज कॉन्ग्रेंसी और एंड दीज फिगर्स विल बी कॉन्ग्रेंट टू इच अदर. राइट, नेक्स्ट, यस, लेट्स सी द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इन द फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के. फिगर बना लेते फटाफट से. सबसे पहले तो आपको ठीक से राइट फिगर बनाना बहुत जरूरी आना चाहिए और वो लेबल्ड प्रॉपरली होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है समझने में बहुत क्लैरिटी हो जाएगी. ये एक ट्राइंगल ए बी सी और ये कुछ इस तरीके से. ठीक है, लेबलिंग कर देते हैं जल्दी से. ए बी सी ये है डी और ये है ई. अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी ई. बस आपने कॉन्ग्रेंस भी बता दिया, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो काम में आएंगी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो काम में आएंगे अगर कॉन्ग्रेंस दे रखा है तो. ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रेंस ए बी ई कौन सा है, ए बी ई. ठीक है, और ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी है ए सी डी. ठीक, तो क्या अभी के लिए हम ठीक है बी सी जो है अगर इसको हटाते हैं तो अच्छा देखने में समझने में आसानी होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं. ठीक है,
हम बात कर रहे हैं ए बी ई, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दूसरा वाला ए सी डी, ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब वापस इसको लगा देते हैं। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? ए डी ई जो है वो सिमिलर है ए डी ई, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी से, बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है बेस बी सी पे, ठीक है, वो है किसके सिमिलर? ए डी ई के। अब जल्दी से हमको पता चल गया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी और ए सी इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी और ए सी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइज जो है वो देख लेते हैं, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, और ए ई भी है वो ए डी के इक्वल होगा, ए ई है जो ए डी के इक्वल होगा, तो ए ई इक्वल्स ए डी। ठीक है, और क्या होगा? तो अब क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर से सिंपली इनको सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, तो ए बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए डी के, ए डी अपॉन ए डी के, बी ए अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए ई सर, ए डी अपॉन ए ई। अब क्या करना है? इन दोनों में से माइनस वन कर देते हैं। ठीक है, माइनस वन करने से क्या होगा? जो साइड हम चाहते हैं वो मिल जाएगी। ठीक है, माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा? बी ए माइनस एक सेकेंड इन ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल है और ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो है इसको फिगर पर और रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ए बी ई है ये और ये है सी ए और ये पॉइंट होगा डी। ठीक है, अब देखो क्या क्या इक्वल आ जाएंगे। एक तो ये साइड जो है ये इस साइड का इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल वो ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक, और क्या होगा? ये साइड जो होगी ये इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? आपको देखो ये एंगल सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए ये बताया ये एक कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल है तो अब आप इनके जो रेशियो हैं, आपको पता है कि एस ए एस लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? कि ये अपॉन ये क्या होगा? इक्वल ये अपॉन ये किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों साइड्स के। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो ऑलरेडी आ रहा है सामने। ठीक है, तो ये अपॉन ये इक्वल होगा ए डी अपॉन ए ई के। क्यों? और ये इनकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की वैल्यू होगी वन। वन क्यों होगी? क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये देखो ए बी अपॉन ए सी जो है वो ए ई अपॉन ए डी के इक्वल है ऑलरेडी, तो इससे क्या आ जाएगा? सो इसकी जरूरत नहीं।
गया तो उससे क्या आ जाएगा, देखो ए बी अपॉन ए सी जो है इक्वल होगा ए डी अपॉन ए ई के, और ये जो है इक्वल होगा वन के, क्यों, क्योंकि ये सब इक्वल है, ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और ये एंगल तो कॉमन है, ये एंगल तो कॉमन है, ठीक है। तो इससे क्या निकल करके आया, ये इससे ये पता चला कि ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है, कैसे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी नॉट कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी में भी वैसे एस ए एस होता है लेकिन यहाँ पर हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ठीक है, तो ये तो पहले हमको गिवन था जो कि हमने देखा यहाँ, ठीक है, तो हमने सिर्फ उन ट्राइंगल्स को, उस फिगर को जो गिवन है उसको रिजॉल्व किया, उसको अलग अलग बना करके समझा, ठीक है, क्योंकि एक ही फिगर के अंदर क्या हो जाता है कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है देखने में, राइट, एक क्वेश्चन और फटाफट से देख लेते हैं। देखिए बात कर रहे हैं ये, इन दिस फिगर ऑल्टीट्यूड्स in the figure altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P, ठीक है, altitudes हैं ये, एक है AD और एक है CE, और ये दोनों altitudes हैं, altitude क्या होता है, किसी भी triangle के अंदर vertex पे, किसी एक vertex से उसके सामने वाली line पे 90 degree का angle, for example in this triangle क्या होगा altitude, जैसे मान लेते हैं हम ये AB है, ABC है, तो अगर पॉइंट A से अगर बेस BC मान रहे हैं, बेस अगर BC मान रहे हैं तो पॉइंट A से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं बेस के ऊपर, ये 90 डिग्री होगा, सो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए, ये लाइन जो है ये डी मान लेते हैं, तो दिस ए डी इज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड देखिए क्या होता है, हाइट होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होती है किसी चीज़, तो अगर इस ट्राइंगल की अगर बेस बी सी मानते हैं तो इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, तो उस पॉइंट से और उसकी मैक्सिमम हाइट जो वर्टेक्स की टॉप मोस्ट वर्टेक्स है उसकी दूरी, ठीक है, तो दैट इज हाइट एडी, अगर मान लेते फिगर ऐसा होता है, यहाँ कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा फिगर होता कि जो बेस है वो, जो बेस है वो मान लीजिए उसके आ ही नहीं रहा, ठीक है, ऑल्टीट्यूड से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑल्टीट्यूड जो है बेस को एक्सटेंड करके निकाला जाता है, ठीक है, बेस को एक्सटेंड किया जाएगा इस केस में, और ऑल्टीट्यूड जो है वो यहाँ आएगा बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अभी भी मैक्सिमम हाइट क्या है, यही है इसकी, राइट, अगर बेस ए सी मान लेते तो क्या हाइट कम हो जाती है इसकी, यस, तो अगर बेस हम इसके ए सी मान लेते तो इस पॉइंट से ए सी के ऊपर 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ ऑल्टीट्यूड इसकी कम हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ई है, तो आपको पता है अगर बेस बड़ा है तो हाइट कम हो जाएगी ट्राइंगल की,
अगर बेस छोटा है तो हाइट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्टीट्यूड निकाला जाता है। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये पॉइंट ए से डी के ऊपर बेस बी सी माना है और बी सी के ऊपर एक ऑल्टीट्यूड बनाया गया 90 डिग्री का इस फिगर की बात कर। और सिमिलरली पॉइंट सी से बेस ए भी मानकर उस पर एक 90 डिग्री का लाइन खींची गई है, ठीक है। तो पॉइंट ई पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब और क्या बात कर रहा है, ये पॉइंट पी पर मिलते हैं, ये दोनों ऑल्टीट्यूड जो है वो पॉइंट पी पर मिलते हैं। अब आपको बताना है ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी ये छोटा वाला ट्राइंगल, अंदर वाला ट्राइंगल, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ये इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है। तो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, जल्दी से हम अपना खुद का डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला काम देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो आपको डायग्राम जो है उसका ठीक से बनाना आना चाहिए और उसको फिगर को रिजॉल्व करना आना चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस पॉइंट इज सी, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस ओवर हियर इज ई, दिस वन इज पी, and this is A. Now, the conditions given are this is 90 degree and this is 90 degree. Alright. So, सबसे पहले देख रहे हैं first वाला part. First वाला जो proof करना है that is triangle A E P will be similar to triangle C D P. ये वाला ट्राइंगल ए ई पी, इसको सिमिलर प्रूफ करना है इसके ट्राइंगल सी डी पी, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। तब देखते हैं प्रूफ में, तो ट्राइंगल ए ई पी और सी डी पी में देखते हैं, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी DP. क्या कहते रखा है, एंगल ए ई पी और एंगल सी डी पी। देखिए ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, तो 90 डिग्री है। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, क्यों राइट एंगल है, राइट एंगल और क्या है एंगल ए पी ही। देखिए ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा सोचिए। तो दिस इज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये देखो ये एक लाइन है ई सी और एक ये लाइन है ए डी, ठीक है। ये ई सी और ए डी जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी के ऊपर, और जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ चार एंगल्स बनते हैं जिसमें दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे, एक इधर की तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल ए पी ई इक्वल होगा किसके, एंगल सी पी डी के, सी पी डी, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे। तो इससे क्या निकल कर आ गया, ट्राइंगल ए ई पी
सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी भी है बहुत ही यही प्रूफ करना था ठीक है। सिमिलरली बाकी के भी जो हैं वो इसी तरीके से हो जाएंगे तो कहाँ आपको एक एंगल जो है वो दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के किसी एंगल से इक्वल कर देंगे ठीक है। या फिर कोई आपकी जैसे इस वाले में साइड भी कॉमन आ रही है ठीक है। सो वी कैन सी दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास राइट। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड विल बी मीटिंग सून विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। I'll try and make sure that you should be able to solve each and every type of these questions, right? So, see you then now. So, take care. Bye-bye.